मोटर जिसका घर टूटता है वही जानता है उसका हाल। पानी 15 दिन में उड़ा दिया है। हमारे देखने में इससे बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती है। बहुत लोग कहते हैं हमारा ये खो गया, हमारा वो खो गया, हम कह रहे हैं सर हमारा घर खो गया, हमारा मकान खो गया है, हमारे लोग खो गए। लखीमपुर खीरी सदर तहसील का एक गांव जो महज सिर्फ नक्शे पर ही बचा है। ना अब वहां कोई घर है, ना वहां कोई रहने वाला है तो सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी। जिस घर को बनाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, पेट काट कर पैसे जोड़ते हैं जिससे अपना एक पक्का घर बना सके और उनका घर परिवार सुरक्षित हो सके, उसी घर पर जब हथौड़ा चलाना पड़ रहा है तो कलेजा फट रहा है। नदी की जद में आए घरों को लोग खुद ही तोड़ रहे हैं। घरों से निकली ईंट मलवा सहित अन्य घरेलू सामान को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं। गांव के कई परिवार ऐसे हैं जिनका सब कुछ नदी में समा गया, अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं कोई अपना आसियाना अपने हाथों से नहीं उजाड़ता है। ये पूरी कहानी है लखीमपुर खीरी के अहराना गांव की। आप देख सकते हैं कि लोग अपने हाथों से अपना आसियाना उजाड़ रहे हैं। जिस घर में वो अपने परिवार के साथ अपने बीबी बच्चों के साथ यहाँ पे कई सालों से रह रहे थे, लेकिन उसको आज अपने हाथों से उसकी एक एक ईंट चुनने को है कि वही ईंटें उनके हाथ लग जाएं, क्योंकि ये शारदा नदी पूरे गांव को अपने आगोश में समा चुकी है। 250 करीब घरों का ये गाँव, इसमें करीब अब महज 10 घर बचे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। भैया जी क्यों तोड़ रहे हैं अपना घर अपने हाथ से? नदी में कट जाएगा इसीलिए तोड़ रहे हैं। क्या कौन सी नदी है, क्या हो रहा है? शारदा नदी, शारदा। यहाँ कटान बहुत तेज हो रही है, कटान बहुत तेज हो रही है, इसीलिए रात को नदी में गिर जाएगा। जो टुकड़े हैं ईंट उठ के उसको इकट्ठा कर लेंगे। कितने घर थे इस गांव में? इस गांव में कम से कम अभी इस साल में 40-50 घर कटे हैं। टोटल कितने घर थे इसमें? घर तो बहुत थे पहले, पिछले साल कट चुका था। कुछ सरकार ने मदद? सरकार कुछ नहीं मदद किया। कोई देखने आया? आप लोग कहाँ रहेंगे इसके बाद? इसके बाद सड़क पे रहेंगे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे। इस घर को अपने हाथों से बनाया होगा, फिर आज तोड़ रहे हैं, क्या क्या महसूस हो रहा है? महसूस क्या सर, जिसका घर टूटता है वही जानता है उसका हाल। काफ़ी दर्द है इन लोगों के अंदर, काफ़ी भय भी है कि इनका पूरा घर जो है वो नदी में समा चुका है। पूरा गांव एक साथ ही एक हंसता खेलता गांव था, सबके अपने परिवार थे जो एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब कटान के बाद ये लोग इधर उधर सड़कों पे रहने को मजबूर हैं। माता जी कितने दिन से यहाँ रह रही थी? अरे हो गए 15 साल हो गए। 15 साल से रह रही थी। आज घर टूट रहा है आपका? हाँ आज चल रहा, वहाँ रहा है मझेरी, वहाँ पहला मानपुर करता है, चौथा है, अब यहाँ कट रहा है। कितना गांव कट गया? पूरा बहुत गांव कट गया। कितने घर बचे हैं आप? कहाँ 8-10 घर और हुई हैं इसी। सब पूरा गांव कट गया? हाँ सब, जंगल के सामने सब पूरा। कहाँ रहेंगी अब? हाँ कहाँ रहेंगी अब? ये बन्हा लगे, कोई रहा था कोई कहूँ रहा था, अपन जगाड़ कह के कैसे गुजर कैसे करते सब, का कर लिए। देखिए आप साफ तौर से देख सकते हैं कि माता जी की आंखों में दर्द है। जिस घर को ये अपने हाथों से बनाया, इनके सामने एक बन के खड़ा हुआ, इनके बेटे और पोते यहाँ पे रहते थे और खेलते थे, आज उस घर को अपने हाथों से उजाड़ के और दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ वहाँ पे सड़कों पे रहने को मजबूर हैं। TV9 के लिए धर्मेंद्र राजपूत, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर के फूल बेहट क्षेत्र में बसने वाला अहराना गाँव का वजूद अब खत्म हो गया है। शारदा नदी के तेज बहाव ने इस पूरे गांव को अपने आगोश में समा लिया। इस गांव में 200 से ज्यादा परिवार और करीब 1500 की आबादी थी। ये परिवार अपनी बेबी बच्चों के साथ यहां रहा करते थे। गांव में अमन चैन था और सब अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन शारदा नदी का रुख बदला कि इस पूरे गाँव का वजूद ही धीरे धीरे खत्म हो गया। हम इस वक्त खड़े हैं लखीमपुर खीरी जिले के फूलबहर क्षेत्र के करदहिया मानपुर गांव में। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक गांव हुआ करता था अहराना। कुछ घंटों पहले इस गांव का वजूद था, लेकिन अब पूरा गांव जो है इस नदी में समा चुका है। और इसमें करीब ये 200 से 250 घरों का ये गांव, 1600 से 1800 की आबादी, हंसता खेलता परिवार, यहाँ लोगों के अपने परिवार हुआ करते थे, उनकी फसलें थीं, उनके चेहरों पर खुशियाँ थीं, लेकिन शारदा का रौद्र रूप इन लोगों के घरों को अपनी आगोश में समाता चला गया। शारदा नदी से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर बसा ये गांव आजादी के बाद 1950 के आसपास बसा था। धीरे धीरे नदी का रुख इस गांव की तरफ हुआ।
और पूरा गांव नदी में समा गया। इस ग्राम पंचायत का इकलौता स्कूल भी नदी की चपेट में तेज बहाव से बह गया। पिछले 4 साल से करीब 200 से ज्यादा घर नदी ने लील लिए और इस साल करीब 45 घर कटने के बाद पूरा गांव अब सिर्फ नक्शे पर है। आंखों के सामने नदी से हो रही बर्बादी देख अहिराना के लोग बेहाल हैं। गांव वालों का कहना है कि यहां तबाही हो रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई कोशिश नहीं हुई। कहां था घर आपका? जी इधर नदी में चला गया जी। कहां पे था कुछ बताएंगे एक बार कि कहां पे घर था आपका? उधर था। अच्छा उधर था जी। अभी कहां रह रहे हैं आप लोग? रोड पे। रोड पे रह रहे हैं जी। बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे जी। कुछ मदद किया सरकार ने? जी नहीं, कुछ मदद नहीं की। सहायता कुछ नहीं मिला है। प्रतिनिधि आए और विधायक जी आए, वो भी देखकर चली गई। SDM साहब आए, वो भी देखकर चली गई। और यहाँ कोई आश्वासन देने वाला है नहीं, कुछ नहीं सर। सरकार क्या यहाँ पे SDM आए, विधायक आए, सब लोग आए देखकर, चुपचाप अपना वीडियो एक आध बना कर चुपचाप चले गए। कुछ आज तक कोई आदमी हम लोगों का, जो कि मकान कटा 95,000 मिलना था, वो भी नहीं मिला। लेखपाल भी नहीं हम लोगों का सुनवाई किया इस चीज की। गाँव के कई परिवार ऐसे है जिनका सब कुछ नदी में समा गया, अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। 200 मकानों वाले अहिराना गांव में अब सिर्फ 10 घर बचे हैं। शारदा नदी इस गांव से पहले काफी दूर थी, लेकिन धीरे धीरे शारदा नदी गांव तक पहुंच गई। एक एक करके लोगों के घरों को निकलती चली गई नदी। अब गांव का वजूद मिटाने को आतुर है। घर मकान सब कुछ नदी में समाने के बाद लोग अब दर दर भटकने को मजबूर है। ग्रामीण बताते हैं उनके पास अभी तक कोई नहीं आया। वो भी इस इंतजार में है कि कोई अधिकारी कर्मचारी उनके पास आए, उनकी परेशानी जाने और इसे दूर करें। गांव के बुजुर्ग भी हालातों को देखकर चिंतित हैं। अपने ही सामने अपनी बर्बादी को देख उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। फिलहाल इस गांव में हर वर्ग परेशान है। एक अजीब सा सन्नाटा उनकी परेशानियों को लेकर है। उन्हें इंतजार है सरकारी मदद का। सरकार क्या मदद करेगी? सरकार कुछ नहीं मदद की। माता जी, कहीं रहने की जगह मिली है आप लोगों को? हम लोगों को नहीं मिली है, ना मिली है ना अभी मिलने कोई भरोसा है। तो कहाँ रहेंगी? बंधप रहेंगे और कहाँ रहेंगे? आसमान के नीचे। आसमान के नीचे अब देखा, आसमान के नीचे रह परी, बुन्नी के नीचे रह परी। छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ रहेंगी आप लोग? अब जब सरकार जमीन दीवा सब जने चली वही बनाई। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि जब पहले 2-3 घर कटते थे गांव में, तो पूरा प्रशासन उलझ जाता था, हर व्यवस्था करने में जुट जाता था। आज गांव का गांव कट रहा है, करीब इस गांव में 250 से ज़्यादा घर कट गए हैं। प्रशासन को अभी एक दूसरे को भागने के लिए मजबूर कर रहा है, उसका कोई रास्ता नहीं है। जिस घर को बनाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, उसी घर पर जब हथौड़ा चलाना पड़े तो कलेजा तो फटता ही है। घर तोड़ते समय आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब यही सोचते हैं कि घर का मलबा निकाल लें, जिससे दूसरी जगह पर फिर से परिवार के लिए घर बना सके। ये हाल है यूपी के खीरी जिले के फूलबेहड़ इलाके के अहिराना गांव का। अहिराना गांव कभी नदी से दूर था, लेकिन कटान करते हुए जमीनों को निकलते हुए नदी गांव तक पहुंच गई। एक सप्ताह में गांव के 8 लोगों के घर नदी में समा चुके हैं। 7 अन्य लोगों के घर नदी के निशाने पर है। पूरे गाँव में नदी की दहशत है। गाँव को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। इससे लोगों में आक्रोश भी है।